एक हमले में कैसे तार तार हो जाएगा हमास का आतंकी नेटवर्क? हमास की सुरंगों वाला वार भी कैसे होगा बेअसर? हमास के पंजे से इजरायली बंधकों को कौन छोड़ाएगा? इन सभी सवालों का बस एक जवाब है, अमेरिका की डेल्टा फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो गाजा में हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध पर दिन के 24 घंटे या कहें कि सेकंड दर सेकंड नजर बनाए हुए है। इसराइल की तरफ से गाजा से हमास को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है, लेकिन यह ऑपरेशन आसान नहीं है। वजह है हमास का सुरंगों में मौजूद हथियारों का जखीरा। गाजा की सुरंगों में कैसे चुन चुन कर मारे जाएंगे हमास के आतंकी, इसके लिए अमेरिका के स्पेशल फोर्स ने कैसा प्लान तैयार किया है, उसे हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिका के स्पेशल फोर्स के बारे में जान लीजिए, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो इजरायल की धरती पर लैंड हो चुके हैं। गाजा युद्ध का सबसे खौफनाक चेहरा सामने आने वाला है, क्योंकि दुश्मनों को मौत बांटने वाले अमेरिका के जल्लाद कमांडो गाजा में दाखिल हो सकते हैं। ये अमेरिका के ऐसे खूंखार लड़ाके हैं जिन्हें दुनिया चलती फिरती किलर मशीन कहती है। इनकी डिक्शनरी में दुश्मनों पर रहम नाम का कोई शब्द ही नहीं है। ये है अमेरिका की डेल्टा फोर्स। ऐसी फोर्स जो दुश्मनों को दिखाई देने से पहले उनका काम तमाम कर देती है, चोरी छिपे धावा बोलती है, अपना टास्क पूरा करती है और पलक झपकते गुम हो जाती है। टास्क चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इसराइल युद्ध में इनकी मौजूदगी के तीन मकसद हो सकते हैं। पहला मकसद, हमास के आतंकियों में दहशत पैदा करना। दूसरा मकसद, हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देना। और तीसरा और सबसे अहम मकसद, हमास के आतंकियों को मौत के घाट उतारना। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की डेल्टा फोर्स बंधकों की रिहाई के लिए इसराइल में मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने तेल अवीव में डेल्टा फोर्स के कमांडरों से मुलाकात की थी। बाइडन और डेल्टा फोर्स की तेल अवीव में हुई मुलाकात की तस्वीर को लेकर काफी विवाद हुआ था। व्हाइट हाउस ने जो तस्वीर साझा की थी उसमें राष्ट्रपति बाइडन अमेरिकी डेल्टा फोर्स के मेजर से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस फोटो के सार्वजनिक होने के बाद इस बात की चर्चा होने लगी कि ये फोर्स हमास से लड़ने के लिए इसराइल में पहले से मौजूद थी या जंग के बाद वहां भेजी गई। लेकिन चंद घंटों बाद ही ऑफिशियल अकाउंट से इस फोर्स को डिलीट कर दिया गया। हमास के खिलाफ जंग में इसराइल की मदद के लिए अमेरिका ने सबसे घातक डेल्टा फोर्स को तैनात कर रखा है। इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अब तक ये माना जा रहा था कि शायद अमेरिका अप्रत्यक्ष तौर पे इस युद्ध में शामिल हो, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन की डेल्टा फोर्स के कमांडो के साथ तस्वीरों ने सब कुछ साफ कर दिया है। अमेरिका के डेल्टा फोर्स ने कई महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम दिया है, चाहे ओसामा बिन लादेन को मारने की बात हो या फिर सद्दाम हुसैन को पकड़ने की बात या फिर अफगानिस्तान से तालिबान को खदेड़ने का मामला हो। तमाम मिशनों में अमेरिका के डेल्टा फोर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम भूमिका रही। अमेरिका की डेल्टा फोर्स खास तौर पर आतंकवाद विरोधी मिशनों में शामिल होती है। बंधकों को बचाने और आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन चलाने में माहिर है। लेकिन 45 किलोमीटर लंबे और 6 से 10 किलोमीटर चौड़े गाजा पट्टी में करीब 25 लाख लोग रहते हैं। ऊपर से देखने पर गाजा पट्टी एक घनी आबादी वाला इलाका नजर आता है, जहां बाकी शहरों की तरह घर, दुकान, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद और दफ्तर देखते हैं। लेकिन यह सिर्फ गाजा की ऊपरी झलक है। गाजा की जमीन के नीचे एक अलग दुनिया है, शहर के नीचे सुरंगों का शहर।
ये है हमास का पाताल लोक। इसी पाताल लोक में हमास ने अपने हथियारों का गोदाम बना रखा है। करीब 365 वर्ग किलोमीटर में फैला गाजा इसलिए सबसे बड़ा मजबूत किला है, क्योंकि जितना गाजा ऊपर नजर आता है उससे कहीं ज्यादा गाजा जमीन के नीचे है। गाजा के इन सुरंगों में 2 मंजिला इमारत होने के दावे किए जाते हैं और इनका रास्ता सुरंगों से होकर खुलता है। इन्हीं सुरंगों के अंदर हमास के हथियार निर्माण की फैक्ट्रियां हैं। देखिए, इस तरह सुरंगों के अंदर हमास ने रॉकेट बनाने की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। दावा किया जाता है कि गाजा के अंदर 500 किलोमीटर लंबाई की फैली हुई सुरंगें हैं। इन सुरंगों के अंदर हमास के आतंकी चूहे की तरह छुपे हुए हैं और जैसे इसराइल की सेना गाजा के अंदर घुसेगी, हमास के आतंकी इसराइल की सेना पर टूट पड़ेंगे। लेकिन इन्हीं सुरंगों में छिपे हमास के आतंकियों के खात्मे को अमेरिका की डेल्टा फोर्स अंजाम दे सकती है। कैसे, इसे आगे बताएंगे। अभी ये जान लीजिए कि अमेरिका की डेल्टा फोर्स के पास सुरंगों को ढूंढने, बंधकों को छुड़ाने, सुरंगों को साफ करने, उनको तबाह करने में महारत हासिल है। हमास के इन बारूदी सुरंगों के ऊपर की धरती पर बर्बादी और तबाही पसरी है। इसराइल ने गाजा के खिलाफ पूर्ण घेराबंदी कर दी है। जमीन, समंदर और हवा से बमबारी की है। गाजा की बिजली, भोजन और पानी को काट दिया गया है। आइए सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए गाजा की बर्बादी की फुल पिक्चर देख लेते हैं। हमास और इसराइल के बीच में भीषण युद्ध चल रहा है और गाजा की संपूर्ण घेरेबंदी की पूरी तैयारी इसराइल की ओर से कर ली गई है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सैटेलाइट तस्वीर है। इस सैटेलाइट तस्वीर को जरा बहुत गौर से देखिए। इसमें गाजा से लेकर इसराइल और उसके पड़ोसी मिस्र बॉर्डर की पूरी कहानी आप देख पाएंगे। गाजा के उत्तरी सीमा पर मौजूद इस क्रॉसिंग का नाम जो आप यहां देख रहे हैं इरेज क्रॉसिंग है, जो कि फिलहाल बंद है। ये है गाजा की सलद्दीन रोड। अगर आप देखें तो सलद्दीन रोड यहां पर आपको ठीक उत्तरी इसराइल के नीचे दिखाई देगी और सलद्दीन रोड जो कि पूरे गाजा और पूरब और पश्चिम को बांटती है। इसराइल ने हमले से पहले इसी रास्ते को निकासी के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया था। यहीं से तमाम मिलिटेंट्स निकलकर भागे थे। लेकिन अगर इसके बाद आप देखेंगे ठीक इसके दक्षिण में अगर जाएं तो देखिए फिलिस्तीन का बीट लाहिया इलाका है। मिसाइलों से यहां पर अटैक किया गया था। इसराइल ने इस शहर की तस्वीर ही मिसाइलों से अटैक करके पूरी तरीके से बदल डाली थी, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन इसके पूरब में अगर आप देखें तो बीट हनोन का ये इलाका भी आप देख पाएंगे जहां पर भारी बमबारी की गई थी। इसराइल की तरफ से भारी बमबारी हुई थी। इस इलाके में भी भीषण तबाही मचाई गई थी। बीट हनोन के अगर दक्षिण की बात करें तो बसा ये शहर जरा आप जबालिया भी देख लीजिए। घनी आबादी, शरणार्थी शिविर यहां पर है और जो कि फिलहाल युद्ध की वजह से, तमाम अटैक्स की वजह से इस वक्त मलबे में तब्दील हो चुका है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। लेकिन इसके अलावा गाजा शहर की बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गाजा शहर वहां पर देख रहे हैं और अल अहली अरब अस्पताल जहां पर 17 अक्टूबर को बड़ा अटैक किया गया था और वहां पर ब्लास्ट में सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई थी। लेकिन इसके अलावा इसराइल गाजा बाड़ को भी देख लीजिए। इसराइल गाजा बाड़ यहां पर है। अगर आप देखें तो ये इसराइल का इलाका है और ये बफर जोन है, ये गाजा पट्टी है और उधर भूमध्य सागर है। इस बॉर्डर के दोनों तरफ 100 से 400 मीटर तक का बफर जोन है। ये वाला इलाका बफर जोन में है जहां आना जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। लेकिन इसके अलावा आपको इसराइल का कफर अजा भी दिखाते हैं जहां 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया था। ये कफर अजा का इलाका है जहां पर हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर अटैक कर दिया था और उसके बाद से ही युद्ध की शुरुआत हो गई थी। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो नाहा ओज का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। नाहा ओज क्रॉसिंग 2010 में स्थायी रूप से बंद कर दी गई थी। ये बॉर्डरिंग इलाका अगर आप देख पाए नाहा ओज का, बफरिंग जोन इसराइल और इस तरफ गाजा पट्टी, आप साफ तौर पर देखिए ये जो इलाका है इसे 2010 में ही बंद कर दिया गया था। ये सिलसिला यही नहीं थमता है। आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए और भी बताने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इसके बाद ये आगे घेरेबंदी करने की कोशिश इसराइल की ओर से की जा रही है। उसके बाद देखिए करणी चौराहा आता है, ये बिल्कुल ठीक अगर आप यहां पर देखें तो ये बॉर्डर पर मौजूद है। 2011 में इसे भी स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था जिससे कि ये जो बफर जोन है गाजा से बफर जोन होते हुए इसराइल में हमास के मिलिटेंट्स एंटर ना कर पाए। लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे सलाह अल दीन रोड की भी। दक्षिण की ओर जाने के लिए ये सड़क है, मिलिटेंट्स इसका इस्तेमाल करते हैं और यहीं से आतंक फैलाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जिक्र गाजा नदी का भी होना बेहद जरूरी है।
रही है। अगर आप देखें ये गाजा नदी है, सामरिक लिहाज से बेहद अहम है और इसका भी इस्तेमाल करके, इस नदी का भी इस्तेमाल करके मिलिटेंट्स इसराइल में हमेशा अटैक करते रहे हैं। लेकिन गाजा बिजली संयंत्र की अगर बात करें, जो कि आप यहां देखेंगे, गाजा बिजली संयंत्र जो अभी भी बहुत ही बुरी हालत में है, इसराइल की ओर से अटैक करके गाजा बिजली संयंत्र को ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल इसराइल की प्लानिंग यही है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाए, हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, हमास के मिलिटेंट्स और हमास अपने आप घुटने टेक देंगे। लेकिन उसके बाद अगर हम जिक्र करेंगे, इधर अगर आप देखें तो दीर अल बलाह जो कि दक्षिण में घेरेबंदी के काम आता है, यहीं से हमास के मिलिटेंट्स बफर जोन और फिर बफर जोन के बाद इसराइल में अटैक करते हैं। बनी सुहेल का भी जिक्र कर लेंगे। अगर आप देखेंगे यहां बनी सुहेल 4% से भी कम पानी बचा है और युद्ध की स्थिति में आप देखिए जिंदा रहने के लिए न सिर्फ लोग आम लोगों को बल्कि मिलिटेंट्स को भी कम से कम खाना पानी तो जरूर चाहिए होता है, लेकिन यहाँ महज 4% पानी बचा हुआ है। खान यूनिस दक्षिणी शहर जहाँ पर भारी भीड़ है, खाना पानी की परेशानी है, आप यहाँ पर देखिए भोजन पानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और जिक्र सूफा क्रॉसिंग का भी कर लेंगे जिसे 2008 में स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, और स्थायी रूप से इसलिए बंद किया गया था क्योंकि बफर जोन से लगातार हमास के जो मिलिटेंट्स हैं वो इसराइल में घुसने की कोशिश करते रहे हैं। मिस्र का जिक्र कर लेना बहुत ज़रूरी है, बॉर्डरिंग इलाका है ये, रफा क्रॉसिंग का जिक्र करेंगे। रास्ता फिलहाल खुला हुआ है, मिस्र में घुसने के लिए हजारों रिफ्यूजीज वहां पर जमा है और कोशिश ये कर रहे हैं कि यहीं से अब वो मिस्र में घुस जाएं, वहां पर शरण ले लें। गाजा के लोगों की मदद के लिए मिस्र की रफा क्रॉसिंग अब खुल गई है। मिस्र और गाजा के बीच की रफा क्रॉसिंग से फिलिस्तीनियों को जरूरी सामान पहुंचाने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। अब तक 20 ट्रक जरूरी सामान लेकर गाजा पहुंच चुके हैं। तो ये गाजा को संपूर्ण तरीके से घेर लिया जाए इसराइल की वॉर स्ट्रेटजी थी। हमास के खिलाफ गाजा पर हवाई हमले कर इसराइल ने गाजा की तस्वीर बदल दी है। इसराइल के बरसाए बारूद से गाजा जल रहा है, शहर की इमारतें खंडहर में बदल गई हैं। इसराइल की सेना के हवाई हमलों से गाजा की पूरी तस्वीर बदल गई है। लेकिन हमास ने ऐलान किया है कि वो इसराइल के हर हमले का जवाब देगा। दावा किया जा रहा है कि इसी खतरे को देखते हुए गाजा से चंद किलोमीटर दूर अमेरिका के स्पेशल कमांडो का एक बड़ा ग्रुप स्पेशल ट्रेनिंग लेने में लगा है। इसराइल से जंग के बीच ये हमास के आतंकियों पर पिन पॉइंट अटैक की ट्रेनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस का मुख्य मकसद हमास के कब्जे में मौजूद इसराइल और अमेरिका के नागरिकों को सही सलामत बाहर निकालकर महफूज ठिकाने तक पहुंचाना है, साथ ही हमास के खिलाफ ग्राउंड एक्शन में हमास के नेटवर्क का नाश करना है। ये उसी खास ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के फुल प्रैक्टिस में लगे हैं। इनके ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। इनका नाम ही इनके काम की पहचान है। हम इनका नाम भी बताएंगे, इनका काम भी दिखाएंगे, लेकिन अभी ये जिस काम की तैयारी में लगे हैं उसका ग्राउंड जीरो गाजा में है। हमास के खिलाफ युद्ध में जीत हासिल करने के लिए इजरायल सेना का सबसे बड़ा टारगेट हमास के बड़े आतंकी और टॉप लीडर हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि इजरायल की मदद के लिए अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक फोर्स को तेल अवीव भेज दिया है। इसमें डेल्टा फोर्स भी शामिल है। यही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के SAS कमांडो भी इजरायल की मदद करने वाले हैं। फिलहाल डेल्टा फोर्स की स्पेशल टीम को इसराइल में बहुत ही खास मिलिट्री बेस पर हाई अलर्ट मोड में रखा गया है ताकि ग्राउंड एक्शन में हमास के खिलाफ जोरदार हमला किया जा सके। विदेशी मीडिया ने यह दावा किया है कि ये कमांडो दिन के 24 घंटे रेडी टू अटैक मोड में हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य हमास का समूल नाश है। इस प्लान के तहत अमेरिका के डेल्टा कमांडो जमीन के रास्ते गाजा में घुसेंगे, फिर हमास के अलग अलग ठिकानों तक फैल जाएंगे। दावे के मुताबिक ये हमास के सुरंगों में भी दाखिल होंगे जहां हमास के आतंकियों से बहुत ही जानलेवा भिड़ंत होगी। गाजा में पहुंचकर अमेरिका के डेल्टा फोर्स के कमांडो कैसे अपना काम करेंगे उसका ट्रेलर पूरी दुनिया देख चुकी है। डेल्टा फोर्स ने सीरिया में रेड कर मोस्ट वांटेड आतंकी अबू बकर अल बगदादी को ढेर किया।
बैटल ऑफ टोरा बोरा के नाम से मशहूर एक मिशन में डेल्टा सैनिकों ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने या ढेर करने के लिए मिशन चलाया। इनके अलावा सद्दाम हुसैन को ढूंढने और पकड़ने में डेल्टा सैनिकों का बहुत बड़ा रोल रहा था। अफगानिस्तान में तालिबान, लीबिया में बेंगाजी हमलावरों और गल्फ में इराक को खदेड़ने में डेल्टा सैनिकों का अहम रोल रहा था। इनके अलावा पनामा संकट के दौरान 35,000 अमेरिकियों को सुरक्षित पनामा से निकाला था। हमास के खिलाफ इसराइल की जमीनी हमले की तैयारी पूरी है। इसके लिए गाजा बॉर्डर पर करीब 3,00,000 इजरायली सैनिक और सैकड़ों टैंकों का जमावड़ा है। इन तैयारियों के बीच अमेरिका के डेल्टा फोर्स के कमांडो की इसराइल में मौजूदगी बहुत बड़ा इशारा करती है।